मध्य प्रदेश ना सीएम शिवराज सिंह चौहान बे दिवस की भरूच मुलाकाते छे, जे आज नवसारी खाते दांडी यात्रा में भाग लेशे। ए पूर्व शिवराज सिंह चौहान भरूच खाते आवी पहोंच्या हता अने भरूच ना जाड़ेश्वर विस्तार में आवेला नीलकंठेश्वर महादेव मंदिरे पण पत्नी साथे पूजन अर्चन कर्युं हतुं। वहेली सवारे शिवराज सिंह चौहाणे दहेज खाते नर्मदा नदी ना समुद्र साथे संगम स्थल पर पूजन अर्चन कर्युं हतुं। त्यारबाद फरीथी ते भरूच आवी भरूच ना मनन आश्रम नी मुलाकात लीधी अने बाद में सूरत अने त्यांथी नवसारी जवा रवाना थशे। शिवराज सिंह चौहान भरूच खाते आवी पहोंचता भरूच ना स्थानिक नेताओं अने तंत्र ना अधिकारीओ द्वारा तेओनुं स्वागत करवामां आव्युं हतुं। शिवराज सिंह चौहान आ प्रसंगे जणाव्युं हतुं के नर्मदा माता मध्य प्रदेश नी समृद्धि अने गुजरात नो विकास मां नर्मदा नी कृपा ना आधारे छे, त्यारे पूजन अर्चन करवुं तेमने सौभाग्य प्राप्त थयुं छे। मामहे प्रियाणां त्वा प्रियपदिको हवामहे निधीनां त्वा निधिपदिको हवामहे पद्मयुग्मा सदृशे पदयुग्मे पाद्यम। रेवा तट पर ही हुआ है नर्मदा मैया के किनारे जैत गांव में। बहुत दिनों से ये ख्याति के नर्मदा जी या समुद्र में मिली है, वहाँ जाके दर्शन करूँ। एक संयोग आया दांडी यात्रा का, कल मैं दांडी यात्रा में भाग लेने वाला हूँ और इसलिए सोचा कि आज चल के नर्मदा जी की पूजा करूँ। कल जहाँ नर्मदा जी समुद्र में मिली है उस स्थान के दर्शन करूँगा और उसके बाद दांडी यात्रा में सम्मिलित होने जाऊँगा। नर्मदा जी मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश की समृद्धि और गुजरात का विकास माँ नर्मदा की कृपा पर निर्भर है। आज पूजा करते समय मैया से यही प्रार्थना की, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हमारे देश की जनता की जिंदगी में आए। मध्य प्रदेश गुजरात मिलकर आगे बढ़े, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और जब सबके कल्याण की बात करते हैं तो भारत में तो ये कहा है, विश्व का कल्याण हो, तो सारे विश्व से कोरोना महामारी जल्दी चली जाए। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो सपना और संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प मैंने लिया है। हम सचमुच में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आज़ादी 75 का जब उत्सव प्रारंभ हो चुका है तब हम सब करें।